आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वाराणसी दौरे पर सीएम, टेंट सिटी का सीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। ठंड को लेकर डिप्टी सीएम विजय पाठक ने अफसरों को दिए हैं निर्देश, कहा जरूरत के मुताबिक बढ़ाए रैन बसेरों की संख्या। सपा नेता की गिरफ्तारी को लेकर बोले एडीजी, एलओ मनीष के खिलाफ कई मुकदमे, जातिगत विद्वेष से करता था ट्वीट। सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर हमला, कहा मदरसों पर फर्जी की राजनीति हो रही है। आगरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, मोबाइल लूटने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बीती रात सोनभद्र से वाराणसी आते समय एक मालवाहक वाहन को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा और उसे रुकवा दिया। इसके बाद गहनतापूर्वक जांच की गई तो मालूम हुआ कि गाड़ी पर गलत नंबर प्लेट लगा रखा है। निरीक्षण के दौरान वाहन की बॉडी भी मानक के विपरीत पाई गई। साथ ही ये संज्ञान में आया कि वाहनों के नंबर प्लेट में कुछ अंकों को मिटा या छिपा दिया जाता है। यहीं सही नंबर प्लेट को ड्राइवर निकाल कर अपने साथ रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। मंत्री ने वाहन मालिक और ड्राइवर के खिलाफ FIR करवाने और गाड़ी को सीज करने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दे दिए हैं। संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर बीजेपी फिजूल की राजनीति कर रही है। मदरसों के बहाने बीजेपी देश में हालात बिगाड़ना चाहती है। मुसलमान पढ़े तो आफत ना पड़े, और आफत सरकार को सोच समझकर काम करना चाहिए, जो उनकी पॉलिसी बदलना चाहिए, इसमें कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। निजाम चलता था, चलता रहेगा, इस तरह लोगों में आपस में बंटवारा कर रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी है के हालात को बिगाड़, किसी तरीके से हालात बिगड़े मुल्क के, वो मुल्क के हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। और हमेशा से हिंदू बच्चे भी किसी बिरादरी किसी कौम के हैं, सब मदरसों में पढ़ते रहे हैं और आज भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं पढ़वाने में, तो फिर गवर्नमेंट को क्यों एतराज़ हो रहा है। औरैया के एरवा कटरा क्षेत्र में गुलालपुर गांव में कानपुर से चोकर लेकर राजनगर गाजियाबाद जा रही DCM अचानक सामने आए जानवर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से एक गाय और एक भैंस बुरी तरह से घायल हो गई, जिस पर ग्रामीणों ने उत्तेजित हो गए और ड्राइवर को पकड़ लिया। सूचना पाकर पहुंची एरवा कटरा पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने ले गई और करीब आधे घंटे मशक्कत के बाद ग्रामीणों द्वारा गाड़ी के नीचे दबे जानवरों को बाहर निकाला जा सका। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि गुलालपुर निवासी राम द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा इमाम मरीसरा के DCM आप चला रहे थे क्या? जी जी। कितने लोग सवार थे इसपे? आज ही पकड़ी भाई साहब। अच्छा, और कौन था आपके साथ? अकेले थे। कैसे हादसा हुआ ये? हमारा कुत्ता निकला एकदम, कुत्ता बचाने के चक्कर में इधर एकदम खाई में उतरी, इधर उतरी तो एकदम गाड़ी काटी तो कटी नहीं, एकदम सापट गई निकल। क्या लोड था इस पे? इसपे लदा था पसवार। कहाँ से लोड किया था? कानपुर से। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के साथ साथ अयोध्या की भव्य और निखारने के लिए अब अयोध्या पहुंचने वाले सभी संपर्क मार्गों पर 6 प्रवेश द्वार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये सभी प्रवेश द्वार 65 करोड़ की लागत से बनेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने प्रथम किस्त जारी कर दी है। 2 प्रवेश द्वार बस्ती और गोंडा क्षेत्र में बनेंगे, जिससे स्थानीय प्रशासन बनवाने की जिम्मेदारी उठाएगा। और वहीं DM नीतीश कुमार ने बताया कि ये सभी प्रवेश द्वार 5 हेक्टेयर जमीन में बनेंगे और जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बैनामा होने के बाद निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा।
आने वाले जो रास्ते हैं उसमें 6 रास्तों पे भव्य द्वार बनाए जाएंगे और इसके लिए 3 जनपद अयोध्या में है और 2 एक गोंडा और एक बस्ती जनपद में है। तो हम लोगों ने 3 की जमीन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और उसका हम लोग लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहे हैं और उसका बैनामा हो रहा है और 1 और अयोध्या में है उसके वार्ता चल रही है। तो ये हमारा उद्देश्य है इसमें है कि जो भी हमारा एक्सटेंडेड अयोध्या बनेगा और काफ़ी बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो उनको हम लोगों ने फैसिलिटी देने के लिए वहीं पे पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी रहेगी, पार्किंग का स्थान रहेगा और कुछ आश्रय स्थल भी बनेंगे वहाँ पे। तो ये पूरी एक कार्ययोजना है जो एक्सटेंडेड अयोध्या के लिए। बांदा के जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। डिप्टी सीएम बीएस पाठक की फटकार का भी स्वास्थ्य महकमे में कोई भी असर नहीं पड़ा। बताया जा रहा है कि 40 मिनट तक जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर की लाइटें गुल रहीं, वहीं जब इस पूरे मामले में सीएमएस एसएन मिश्रा से बातचीत की गई तो गोलमोल जवाब देते नजर आए। हाल ही में डिप्टी सीएम बीएस पाठक ने जिला अस्पताल में व्यापक अव्यवस्थाओं की जाँच के आदेश दिए थे, इसके बावजूद भी जिला अस्पताल अपनी आंखें मूंदे हुए है। हरदोई में मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले महिला अस्पताल आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। अब ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें सीएमएस के संवेदनहीनता की हदें पार कर दी हैं। मरीज के तीमानदार ने इलाज में लापरवाही को लेकर सीएमएस को फोन किया। इस पर सीएमएस भड़क गई और तीमानदार से अपशब्द कहे, जिससे परेशान मरीज ने तीमानदार ने कहा कि आपकी शिकायत डीएम से करेंगे। इस बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद लोगों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस संबंध में प्रिंसिपल डॉक्टर देश दीपक तिवारी ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई स्टाफ मौजूद ना हो। अभी मैडम ने कार्यभार नहीं लिया है, कार्यभार मिलने के बाद प्रतापगढ़ की भांति यहाँ भी सुधार किया जाएगा। हाँ जी बोलिए सर। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहा है? अरे जिला अस्पताल से बोल रहे हैं, यहाँ 6 बजे से पेशेंट लेके पड़े हैं सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई देखने भी नहीं आ रहा और कोई भी काम नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ आप कौन से मरीज के साथ हैं? गीता के साथ में। अभी मेरी स्टाफ से बात हुई जी, कोई नहीं सो रहा है वहाँ पे, आप बकवास कर रहे हैं। नहीं कोई बोला, सब जाग रहे हैं, सब ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, आप बकवास कर रहे हैं। अच्छा, हम यहाँ फर्जी में यहाँ खड़े हैं, कोई पेशेंट है नहीं हमारा? पेशेंट हो नहीं हो लेकिन कोई स्टाफ नहीं सो रहा है वहाँ पे। चलिए ठीक है, कल हम पेशेंट तो अपना हम प्राइवेट लिए ही जा रहे हैं, अपना कैसे भी कैसे हम अपना जेवर वेवर ले दे के अपना करवा ही लेंगे। कल डीएम साहब के वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ बकवास देखेंगे। वो तो हमसे कह रही थी, हमने देख लिया आपका मरीज। देखा भी नहीं इन्होंने, छुआ भी नहीं हमारे पेशेंट को, और सारे पेशेंट वहाँ रो रहे हैं, देख देख के और उलझन हो रही है। चलिए आप मुझे ही लिख के दीजिए, पहले आप मुझे शिकायत लिख के दीजिएगा। शिकायत लिख के देंगे हम, हमने कैसे कहे बताइए आपसे। हम आप कह रही थी, आप हमसे कह रही थी बकवास कर रहे हैं, ये बताइए। मुझसे झूठ बोल दिया उन्होंने कि आपने देख लिया है। नहीं आप पहले आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं, आपने कह दिया कि बकवास आप कर रहे थे। हम कटिहार में ले आइए, आप मेडिकल कॉलेज आपका ऐसे चल चुका और हम कल की हम साहब के यहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे, इस समय तो अपने पेशेंट हम दिखाएंगे। लोगों ने मुझसे कहा कि आपने देख लिया, आप मुझसे झूठ बोला उन लोगों ने। कहीं नहीं देखा, वहाँ जितने भी पेशेंट हैं आप इस वक्त किसी को भेज के पूछ लीजिए, कम से कम 5-6 पेशेंट रो रहे हैं जमीन में बैठ के। कंप्लेंट आप मुझे लिख के दीजिए पहले। हम एक हम आपको देंगे कंप्लेंट, एक डीएम साहब के यहाँ देंगे। पहले हम प्राइवेट अपना पेशेंट दिखा लें, उसके बाद में देंगे। रायबरेली में एडीओ पंचायत और पंचायत सहायिका का अश्लील चैट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एडीओ पंचायत द्वारा पंचायत सहायिका को अश्लील मैसेज भेजे थे जो अब वायरल हो गए हैं। पूरा मामला उजागर होने पर एडीओ पंचायत भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि अब इस मामले में प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली में पार्टी की जड़ें एक बार फिर मजबूत हो रही हैं, जहां जिले में सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई रही आईटीआई लिमिटेड के श्रमिक संघ इटक ने 4 साल बाद एक बार फिर उपस्थिति दर्ज कराई है। अध्यक्ष और महामंत्री समेत सभी पदों पर इटक की जीत हुई है। इससे पहले 4 साल इस पर संघ ने करीब माने जाने वाले बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ का कब्जा रहा है। इटक कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ा श्रमिक संघ है जो
वैचारिक रूप से पार्टी का करीबी होने के साथ ही उसके राजनीतिक हितों में भी सहयोगी है। आईटीआई की स्थापना के बाद बने श्रमिक संघ का यहाँ 1977 से कब्जा रहा है। ये जीत आईटीआई के लिए और यहाँ के कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार, लूट, कमीशनखोरी, अराजकता फैली हुई थी, आज यहाँ के कर्मचारियों ने उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए श्रमिक संघ को विजयी बनाया है। एक नए भविष्य के लिए, इन सब के खात्मे के लिए, एक अच्छे माहौल में अच्छा माहौल व्याप्त करने के लिए श्रमिक संघ को विजयी बनाया। मुंबई पुलिस और पत्रकारों के बीच क्रिकेट का मैच आयोजन किया गया। क्रिकेट मैच आगरा रोड स्थित नेहरू स्टेडियम पर खेला गया। यह क्रिकेट मैच में क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, कांस्टेबल और जिला के पत्रकारों के बीच खेला गया। इस क्रिकेट मैच में पुलिस टीम ने जीत दर्ज की और पत्रकारों को 11 ओवर में ही हरा दिया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने विजेता टीम को उपविजेता टीम को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और टीम को ढेर सारी बधाई भी दी। आज मैनपुरी स्टेडियम में पुलिस एकादश वर्सेज पत्रकार एकादश के बीच क्रिकेट का मैच आयोजित किया गया। दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छे ढंग से मैच को खेला और इसमें हार जीत से महत्वपूर्ण ये रहा कि खेल भावना अच्छी रही, सब लोग ने एक सामंजस्य का परिचय दिया। पर फिर भी जैसा कि पुलिस मजबूत है और उसी मजबूती का परिचय देते हुए आज मैच को जीता उन्होंने। लेकिन ये खेल में हार और जीत इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए खेल जीता, सामंजस्य जीता, ये ज़्यादा सद्भावना जीती, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। रायबरेली में डायल 112 की तुरंत कार्रवाई का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 112 डायल करने के 10 मिनट में पहुंची पुलिस ने भूमि विवाद को लेकर दमंगई कर रहे युवक को पकड़ लिया है। मामला मिल एरिया थाना इलाके का है, जहां अमावा गांव में 112 डायल को सूचना मिली थी कि अयोध्या पासी नाम का एक युवक जमीन पर कब्जा कर रहा है। पुलिस सूचना मिलते ही 112 डायल की पुलिस 10 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई तो अयोध्या पासी साथियों के साथ हॉकी लेकर दमंगई करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने अयोध्या पासी को दौड़ाकर दबोच लिया। एसओ मिल एरिया संजय सिंह ने बताया कि दबंगई कर रहे अयोध्या पासी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के पिहानी ब्लॉक में ग्रामीणों ने प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से सरकारी पेड़ कटवाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि शाहबाद एसडीएम को ग्रामीणों ने फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इस इलाके के लोगों का कहना है कि प्रधान भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। जब ग्रामीणों ने एसडीएम शाहबाद को सूचित करने के लिए फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाना मुमकिन नहीं समझा। मेरठ में आवारा गौवंशों और थानेदार की दबंगई से परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना किया है। बताया जा रहा है कि आवारा पशुओं ने अब तक 3 लोगों की जान ले ली है तो कई लोगों को घायल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित दरौला फ्लाईओवर के नीचे भारतीय किसान यूनियन के 4 दिन से धरना चल रहा है, जिसकी मांग है कि आवारा पशुओं को गौशाला में ले जाया जाए और उन्हें बंद रखा जाए और दबंग थानेदार को यहाँ से हटाया जाए। दरअसल कुछ दिन पहले एक गौवंश 3 लोगों की जान ले ली गई थी और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। कार्रवाई न होने पर सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए हैं। आवारा गोवंशों सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं और ये धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, इसी को लेकर हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अशोक घटन। अशोक जी, कितने समय से धरना चल रहा है? 4 दिन हो गए भाई। क्या मांगे हैं? मांगे तो भाई हमारी गोवंश की है, आवारा पशु जो फिर रहे, एक प्रशासन जो पुलिस कर्मी और बदतमीजी कर रहे हैं और जो हमारे किसान भाई की मौत हुई है, गोवंश ने मारा है उसको, उसे उचित मुआवजा दिया जाए, ये मांग है हमारी। छोटी छोटी बहुत सारी मांग है।
पिछले 4 दिनों से धरना चल रहा है, कि प्रशासन या पुलिस ने किसने सूद नहीं ली? हाँ, आई थी पुलिस, गाड़ी को पड़ देगी किसानों को। हाँ, सरकार का तो आदेश है किसी से बदतमीजी ना की जाए। हाँ, बदतमीजी करी पुलिस। सरकार का ये भी आदेश है कि आवारा पशुओं को ले जाए। यहाँ का जो इंस्पेक्टर है वो तानाशाह है। अच्छा, ठीक है। नहीं, वो बढ़ना चाह रहा, वो जो फिल्म आई थी नहीं है सिंगम, उसने सिंगम का रूप धारण किया। तो भाई हमारा किसान, हम बैठ के चैन से, भाई तू सिंगम बन ले, दे गाड़ी। आगरा की थाना सदर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गैंग के 6 लूटे हुए मोबाइल बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा 3 लुटेरों को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नगर विकास कुमार ने बताया कि तीनों लुटेरों के पास से लूटे हुए मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस इस गिरोह के अन्य लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। थाना सदर क्षेत्र में 2 अलग अलग वाक्याओं में मोबाइल लुटेरे पकड़े गए हैं। एक में एक मोबाइल लुटेरा पकड़ा गया जिसका नाम है संजय पुत्र जसवंत और निवासी है रकाबगंज थाना का, और उसके पास से एक मोबाइल बरामद किया है जिसका मुकदमा पुर्रू में लिखा हुआ है और उसे बरामद कर किया गया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एक दूसरे ऐसे ही घटनाक्रम में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 5 लूटे हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसमें दोनों व्यक्तियों का नाम है राहुल उल्फ टिन्नी पंडित, ये सदर बाजार आगरा का रहने वाला है, और अभिषेक और विपिन बघेल, ये सेवला जाट सदर बाजार का रहने वाला है। इन दोनों के कब्जे से 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं, इसमें एक मोबाइल मुकदमे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है और बाकी जो 4 मोबाइल है उसके बारे में पता किया जा रहा है कि कहां से चुराया है, लूटा गया था, और उसे विवेचना में शामिल किया जाएगा। औरैया के एवरा कटरा क्षेत्र के गुलालपुर गांव में कानपुर से चोकर लेकर राजनगर गाजियाबाद जा रही डीसीएम अचानक सामने आए जानवर को बचाने के चक्कर में अंतित होकर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से एक गाय और एक भैंस बुरी तरह से घायल हो गई है, जिस पर ग्रामीणों ने उत्तेजित हो गए और ड्राइवर को पकड़ लिया। सूचना पाकर पहुंची एरवा कटरा पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने ले गई और करीब आधे घंटे मशक्कत के बाद ग्रामीणों द्वारा गाड़ी के नीचे दबे जानवर को बाहर निकाला जा सका। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि गुलालपुर निवासी राम द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब ही होता है कि कोई ना कोई चर्चा बनी रहती है, कोई ना कोई वाद विवाद पक्ष विपक्ष होता रहता है, उससे ही संबंधित एक ट्वीट रहा था जो योगी सरकार पे अखिलेश जी ने सवाल किया था एक टॉयलेट की फोटो पोस्ट करके, उसका ही जवाब देते हुए मैंने उनके सवाल का जवाब दिया था। उसी जवाब से ही व्यक्तिगत मुझे लेकर समाजवादी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कोट किया और उसके बाद जो अभद्रता करी शायद आज के टाइम पे सबके नज़रों में भी आ चुका है और सबको पता है कि उनकी भाषा कितनी निम्न स्तर की, कितनी गिरी हुई, और उससे ज़्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता। अयोध्या में अवैध संबंधों को छिपाने के लिए बड़े भाई ने खून के रिश्ते को भी तार तार कर दिया और छोटे भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बड़े भाई विकास को गिरफ्तार कर और कड़ाई से पूछताछ की तो मामला क्या था जानकारी में आया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस व स्वाट टीम ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथौड़े को बरामद करते हुए हत्यारे भाई विकास को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसने जेल भेज दिया गया है। ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था, परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। खबर बरेली से, जहां कैलाश साइकिल स्टोर में उषा कंपनी के नकली प्रोजेक्ट बेचने के शिकायत पर कार्रवाई की गई है। एसोसिएशन कंपनी के जांच अधिकारी कौशिक विश्वास और थाना नवाबगंज पुलिस ने कैलाश साइकिल स्टोर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उषा कंपनी के नकली प्रोडक्ट
बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में नकली मशीनों को जब्त कर उनको जांच अधिकारी के द्वारा सील किया गया है। साथ ही थाने में तहरीर देकर कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के मलिक मऊ चौबारा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। आग की तरह घटना की सूचना गांव में फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फरीदाबाद में 5 दिन पहले गुड़गांव केनाल पर किए गए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा दी गई है। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 दिन में पुलिस रिमांड पर है। बताया जा रहा है कि लव ट्रायंगल के चलते हत्या की गई है। आरोपी ने मृतक की पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा कुचल दिया और उस पर जेब से कई अहम चीजें निकाल ली। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे की रॉड और चाकू बरामद किया है। पिचपन एरिया में एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे मौके पे गए तो वहाँ देखा कि एक नौजवान लड़का, उम्र करीबन 25-26 साल थी, उसको तेजधार हथियारों से चोट मारकर उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को खुर्द बुर्द करने की भी कोशिश की गई थी, जिसके तहत उसके चेहरे पे पत्थरों से वार किए गए थे, जिस पर आदरणीय सीपी साहब के आदेशानुसार और डीसीपी क्राइम के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इस पर तत्परता से कार्रवाई की और सबसे पहले तो शव जो था उसको पहचान करवाई और उसके बाद जो मर्डर करने वाला अक्यूज था उसको अरेस्ट किया है। मर्डर करने वाले की वजह क्या थी? जिस तरीके से मार मार के चाकू से मारा गया, बेरहमी से मारा गया, वजह क्या रही? ये जो मृतक है इसका नाम परलेनाथ उर्फ राजू है। ये आजमगढ़ का रहने वाला है। यहाँ ये अपना कंपनी में काम करता था, करीबन 5-7 साल से ये यहाँ रह रहा है। और जो अक्यूज्ड है ये रामचंद्र उर्फ राम है, जो कोसी एरिया का रहने वाला है। ये दोनों किसी लड़की के अटैच थे दोनों और उसी लड़की को लेकर ये खबर लखनऊ से, जहाँ इंदिरानगर के रसूलपुर सदात में जमीन कब्जे नाने पहुँचे पूर्व प्रधान विशाल यादव ने साथियों संग मिलकर अभिजीत विशेन व उसके साथियों को पीटा और फायरिंग की और जमीन विवाद में हुई फायरिंग के बाद इंदिरानगर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इंदिरानगर पुलिस पर पूर्व प्रधान विशाल यादव को थाने के अंडर थर्ड डिग्री देने का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधान की हालत नाजुक बताई जा रही है, तो वहीं मामले को लेकर क्षेत्र के लोग थाने का घेराव कर रहे हैं। हरदोई के मलावा इलाके में रोड पर विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर निकालने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे बीट प्रभारी ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस संबंध में बीट प्रभारी अवनीश कुमार ने बताया कि अजगर लगभग 12 फीट का था। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।